सर, गुड इवनिंग। कैसे सर? नमस्कार, जय माता दी। मेरा पीछे कोई आना मत। बाद में लेंगे सर, दर्शन कर लेंगे। हाँ, ये तुम ना अक्षय, ये निशान, दिस साइड। आगे दे सकें ना। मीडिया, एक सेकंड मीडिया। आ रहा हूँ। दरअसल आप रोल मॉडल हमारे लिए भी हो, मीडिया के लिए भी, और आप और हमारे गांव में भी आप बहुत बड़ा व्यक्ति बने हैं। युवा पीढ़ी के आप एक मैसेज दियो, जो भी काम करो ईमानदारी से करो, इसके आगे कितना भी रुकावट है अपने आप में क्या बोलते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर आप प्रवाह के खिलाफ काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो आपके ऊपर 100 प्रकार के आरोप लगेंगे, लेकिन लास्ट में तो यही होता है ना, सत्य की विजय होती है। हमारे गणपति बप्पा, तिरुपति जी, हमारी माँ पीताम्बरी साथ में ही रहती, जो सत्य के साथ में ही रहती है हमेशा। तो यही है, जिद और चिकाटी से काम करो, आपके सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करो, भले ही कितने भी आरोप आपके रहेंगे। बस सर, मैम आपसे पूछना चाहता हूँ, मैम मान दुर्गा का रूप आपने बताया सर ने, उस समय जब टेंशन था, कितने आपको सामना करना पड़ा, आप संकट की घड़ी में कितने सामना करना पड़ा? सामना किया, पूरी जनता ने देखा, लेकिन हाँ, कठिन समय के वक्त हमें पता चलता है कि हमें ताकत कितनी है, और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमें कितनी ताकत है। वो उसी वक्त हम जैसे बोलते हैं ना कि खान से जाता है जब कोयला, फिर हीरा तराशा जाता है, वैसा ही है कि आग में झुलसना पड़ता है, तब अपने को पता चलता है कि अपने में कितनी ताकत है। सो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस सब ठीक रहा। आखिर में कोई मैसेज देना चाहता हूँ युवा पीढ़ी के लिए? मैं युवा पीढ़ी के लिए यही देना चाहता हूँ, से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। नशा से दूर रहे, हमारे राष्ट्र को कम बनाए, हमें जर्सी और गंजेड़ी नहीं चाहिए, हमें हमारे राष्ट्र को कमजोर नहीं चाहिए, एक मजबूत और भक्कम राष्ट्र चाहिए। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति।